मैं संतोष देवी प्रियंका नॉलेज बैंक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, आप सबके लिए ढेर सारा प्यार और मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, आनंदमय कुशल से होंगे, मस्त होंगे, चंगे होंगे। तो आज हम बना रहे हैं आप सबके लिए गाजर, मूली, आंवला, हरी मिर्च का मिक्स अचार, जो आपके खाने को बना देगा और भी मजेदार। तो देर किस बात की है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, चलिए बनाते हैं हम झटपट मिक्स अचार। मिक्स अचार बनाने के लिए एक बड़ी मूली को धोकर साफ करके हमने लंबा लंबा काट लिया है। ये 8 आंवले हैं, इन्हें भी हमने अच्छे से धोकर साफ करके काट लिया है। और ये 3-4 गाजर हैं, इन्हें भी हमने छील के धोकर साफ करके इन्हें भी लंबा लंबा काट लिया है। ये 8-9 मिर्च हैं, ये जो तीखी नहीं है आजकल, इन्हें भी हमने लंबा लंबा काट लिया है। गैस जलाकर एक पैन को रख देते हैं। अब पैन में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गया, अब थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं। अब आमले को डाल देते हैं। सबसे पहले आमले को डालना है। अब हरी मिर्चों को भी डाल देते हैं। हरी मिर्च को 2-3 मिनट तक हमें अच्छे से भूनना है, उसके बाद में हम गाजर मूली डालेंगे। अब 2-3 मिनट हो चुके हैं, आंवला अच्छे से हमारा भुन गया है। अब हम गाजर मूली डाल देते हैं। ये गाजर है, वो मूली, ये गाजर है, इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, भून लेते हैं। अब मसाले डाल देते हैं, थोड़ी हल्दी, 1 चम्मच भर के धनिया, मेथी, सौंफ पिसी हुई, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल देते हैं, स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। मिक्स अचार को हमें गलाना नहीं है, क्रंच रखना है। जब खाना खाए ना तो अचार क्रंच लगना चाहिए। मसाले डालकर हमने 2-3 मिनट अच्छे से भून लिया है। मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं और अचार भी हमारा अच्छे से भून गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। गैस बंद कर दी है, गैस को हमने बंद कर दिया है। अब अचार को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, मिक्स अचार बनकर तैयार है। अचार बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप सब भी इसी तरह से मिक्स अचार बनाइए, खाइए, खिलाइए और अपना अनुभव प्रियंका नॉलेज बैंक पर शेयर कीजिए। एक बार बनाइए और 7-8 दिन तक आराम से खाइए, चटकारे लेकर, खिचड़ी के साथ, दाल चावल के साथ, मजा आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, हमारे चैनल के सदस्य जरूर बनना, हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, हमारा हौसला इसी तरह से बढ़ाते रहना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। खुश रहो, आनंदित रहो, बाय बाय।